Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. आपका स्वागत है Being Bliss में. ओम शांति. ओम शांति सिस्टर. मैं एक लाइन शेयर करना चाहूँगा. लाइन बड़ी सुंदर है. What you can do and what you cannot do outside is always a question of capability. But when it comes to the inside, it is just a question of willingness. So sweet. This is so beautiful. Willingness वाली बात last episode भी मैं आपसे पूछी थी मैंने कि मन मेरे को कैसे मैं करूं, will कैसे आए, willingness ही नहीं आती है. Willingness जैसे walk करनी है morning. तो एक दिन करते हैं फिर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, फिर दो दिन करते हैं, फिर जैसे ही उसको करने लग जाते हैं और उसकी रिजल्ट दिखाई देती है फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल. फिर अगर एक दिन नहीं करते हैं तो कहते हैं आज समथिंग इज मिसिंग, आई डिडंट गो फॉर माय मॉर्निंग वॉक. बट दिस लाइन, सी द डीपर मीनिंग ऑफ इट. व्हाट वी कैन डू और कैन नॉट डू आउटसाइड इज अ क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटी, बट व्हाट वी कैन डू इनसाइड इज ओनली अबाउट विलिंगनेस. मतलब इनसाइड के लिए कैपेबिलिटी की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि इनसाइड का काम करने के लिए हर एक उतना ही इक्वली कैपेबल है. उसमें कैपेबिलिटी नहीं चाहिए. कैपेबिलिटी हर एक के पास है. क्यों? क्योंकि हर आत्मा की वो ओरिजिनल क्वालिटी, लेट्स से एक्टिंग स्किल, ये आपकी कैपेबिलिटी है. ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है. किसी के पास इंटेलिजेंस कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कोई स्किल कम, किसी के पास ज़्यादा. लेकिन अंदर की जो चीज़ है ये द इनर वर्क, ये कैपेबिलिटी हर एक के पास इक्वल है. अब इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस. मतलब करने, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली क्या है, लेकिन एक आत्मा वीक है, एक आत्मा स्ट्रांग है, लेकिन हर आत्मा ओरिजिनली पावरफुल है. सी इट्स लाइक दिस. सपोज आपकी ड्रेस एक लाइट ब्राउन कलर है, मेरी वाइट है, तो फिर आप कितना भी ट्राई करें, आप कितना भी स्क्रब करें उसको, आप उसको वाइट नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि अंदर की कैपेबिलिटी सबकी सेम है, विच मीन्स हर एक की ड्रेस वाइट है, हर एक की वाइट है. अब कितने भी दाग अलग अलग लगे हों, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कैपेबिलिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी हर एक की सेम है, सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस नाउ कि कितना स्क्रब करना है. लेकिन जैसे एक्टिंग का टैलेंट आपके अंदर है, अगर मेरे अंदर विलिंगनेस भी हो, विलिंगनेस भी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो कितना भी कर लो टैलेंट ही नहीं है. नहीं है. ये चीज़ है जो आउटर टैलेंट स्किल्स है, इसमें कैपेबिलिटी चाहिए. जैसे गाना गाना है, अब मैं कितना, मैं सपोज आई क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट कि मुझे सुंदर गीत गाना है, विलिंगनेस भी है, मैं उसके लिए 24 आवर्स अटेंशन रख के दिन में 12-12 घंटे रियाज करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन वो मास्टर क्या कहेगा? कहेगा नहीं है ये आपके पास, डोंट स्पेंड एनी मोर टाइम एनर्जी ऑन दिस, क्योंकि ये चीज आपके पास. ये भी तो दिखा सकता है ना मास्टर आपको कि ये चीज नहीं है तो आपके पास ये है. दैट्स ओके. इसको फीड कीजिए. हाँ, मतलब कैपेबिलिटी अलग अलग है, कम और ज्यादा, लेकिन अंदर की स्थिति के लिए अलग अलग नहीं है. Really? Yes. तो मैं समझ रहा था गुरुओं के पास, संतों के पास ज्यादा है, या गिरवे कपड़े वालों के पास ज्यादा है जो मेडिटेशन बड़े गाँव. अपने साथ ही कंपेयर कर लो. पहले ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया, तो you've moved towards becoming a saint, no? This is it. Saint means कौन? जिसने अपनी स्क्रबिंग करने शुरू कर दिए. आप अपने आप को ही देख लीजिए कि कल अवेयरनेस नहीं थी तो एक अलग लेवल पर थे, आज है, चेंज आया तो एक अलग लेवल पर है. So you are coming towards becoming a saint. This is it. हो गया. मतलब स्क्रबिंग होनी शुरू हो गई है. What was required? Willingness. Only willingness. कि मुझे, that's why we had said the want to change. Why to change, how to change बहुत easy है. The want to change अगर है तो it's going to happen. तो willingness. और अब willingness हमारे अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने खुश रहने के लिए सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं. सब कुछ खरीद लिया है, लोगों से मांग लिया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो आए, संतों से मिल लिए, फॉरेन ट्रिप्स पे हो आए, सब कुछ तो हमने कर लिया, कुछ बचा नहीं है अभी। कहाँ खुशी ढूंढेंगे, कहाँ शांति ढूंढेंगे? एक प्रॉब्लम बचा है सिस्टर कि जब तक पुराना स्वभाव था तब तक सब डरते थे, चुप रहते थे, लेकिन जैसे सब देखते हैं कि मैं आजकल ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, आपके एपिसोड्स करता हूँ, ये प्रोग्राम करता हूँ, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और बड़ी चुभती है बात कि जो मैं 5% भी इम्प्रूव कर रहा हूँ वो नहीं देखते हैं। लोग बोलते देखे अभी तक वही का वही है, उनको तो 95 दिख रहा है, देखा अभी तक वही है। तो कभी मन करता क्यों करूं फिर मैं, छोड़ो ना, वापस चलो उधर अपने लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं, मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है, ये बाहर बाद में दिखाई देगा, पहले मेरे अंदर दिखाई देगा। पहले भी अगर आप चलो गुस्सा करते थे वो तो अलग बात, अगर बहुत मीठा बोलते थे, हमेशा प्यार से बात करते थे, लेकिन आपकी सोच कैसी थी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन आज आपकी सोच में कितनी क्लीनलीनेस आ रही है, कितनी सफाई आ रही है, कितनी सोच पहले जो थी उससे थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। पहले किसी की बात को पकड़ के रखना, अब उसी बात को इजीली लेट गो कर देना। दूसरे को क्यों 95 दिख रहा है? जैसे आपने कहा विशेषता का चश्मा पहनना, वो अभी तो हमने पहना नहीं है ना सबने। हम सबको सारा दिन क्या दिखाई देता है? कमजोरियाँ। तो अगर आपने 95% पुराना है संस्कार, 5% चेंज है, लेकिन मेरी दृष्टि अगर 95 पर ही जानी है तो जब आपका 5% कमज़ोरी रह जाएगी और 95% अच्छे पर चला जाएगा तो भी मेरी दृष्टि वो 5% पे जाने, क्योंकि वो मेरी दृष्टि की प्रॉब्लम है, वो मेरा क्रिटिकल एटीट्यूड है, वो मेरा पुराना लेबल है जो मैंने आप पर लगाया है और आपको उसी के थ्रू देखना है। वो मैं देखती रहूंगी जब तक 1% भी बचेगा। लीव दैट टू बी माई प्रॉब्लम, दैट्स माई हीलिंग दैट हैज़ टू हैपन। आपका फोकस सारा किस पर होना है? अपनी हीलिंग पर। अपनी परसेंटेज देखते रहें कि 5 था, आज 6 हुआ, आज 7 हुआ, ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो इसकी अटेंशन हमें रोज़ रखनी है। जैसे आपने कहा कि रोज़ की प्रेपरेशन जो हम करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में हम इसको 4 सब्जेक्ट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हमें रोज़ ध्यान रखना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मतलब डेली स्टडी, रोज़। जैसे हमने देखा पहले कि सवेरे उठकर वो दुनिया की बातें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, टेलीविज़न, ये बाद में, सुबह सुबह ज्ञान का सब्जेक्ट। ज्ञान का सब्जेक्ट मीन्स 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज। ये नॉलेज को ग्रहण करना, पढ़ना, सुनना। अगर आप सेंटर पर आते हैं तो हर शहर में आज ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स हैं, इनफैक्ट हर एरिया में है। विदिन 5 किलोमीटर्स देयर विल बी अ सेंटर। आज सारे विश्व में 133 कंट्रीज़ में 8,500 सेंटर्स हैं। तो क्यों इतने सेंटर्स की ज़रूरत है? एक जगह से भी तो सब कुछ हो सकता था। एक बार पता चल गया अब अपने आप करो, नहीं, सेंटर चाहिए, हर एरिया में सेंटर चाहिए। 8,500 सेंटर, हाँ जी, ताकि क्या करेंगे, हर रोज़ जो सारे उस एरिया में है वो उधर सेंटर पर आकर रोज़ सुबह वो ग्रहण करेंगे, डेली स्टडी, ताकि दैट विल बिकम द फाउंडेशन फॉर द डे। जब तक नॉलेज ही नहीं तब तक तो चेंज आएगा ही नहीं। हाउ टू चेंज, द नॉलेज इज नीडेड, इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स। तो फर्स्ट चीज़ जो प्रोवाइड की जाएगी वो है ज्ञान, इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। कई भाई बहनें कहेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, होता नहीं है। मेडिटेशन फर्स्ट स्टेज नहीं होती है, फर्स्ट स्टेज ज्ञान होता है, सेकेंड स्टेज मेडिटेशन होती है। इट्स लाइक शरीर कमज़ोर है तो फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज नहीं होती है। अच्छा, मैं कमज़ोर है, उठा भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सोचूं मैं आज जॉगिंग करूँ, होने नहीं वाला है। एक्सरसाइज के काबिल बनाओ बॉडी। एक्सरसाइज के काबिल के लिए पहले डाइट लेंगे ना। इतना कमज़ोर है तो पहले उसको ताकत देकर थोड़ा सा तो इस लेवल पर लाएंगे कि चल तो सके, चल तो सके, फिर एक्सरसाइज करना बाद में। तो इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है कि मन के अंदर इतनी अनक्लीन थॉट्स हैं, इतना कुछ भरा हुआ है, पहले कोई श्रेष्ठ चीज़ भरें तो सही। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान लेना चाहिए, तब तक मेडिटेशन होगा नहीं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स श्रेष्ठ चिंतन। बहुत अच्छी थॉट क्रिएट करके उसके उस थॉट के अनुभव में जाना, लेकिन वो तो तब होगा जब अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले भरेंगे। तो पहले ज्ञान, सेकंड मेडिटेशन, तो वो भी हम सेंटर पे करते हैं जाकर। एंड मेडिटेशन मीन्स अपने को पहचानना कि मैं आत्मा हूँ, ये सारा दिन अवेयरनेस, मैं आत्मा हूँ, प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल, ब्लिसफुल। I'm blissful. I'm a blissful being. That's why we said being. The being is bliss. अब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। वो कैसा है? Ocean of bliss, ocean of love. And meditation means मुझ आत्मा का उस पिता के साथ एक connection, जिससे मुझे उसकी power, उसका ज्ञान, ये सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर भरता जाए। तो ये second step. अब ये meditation करने से क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेज ली ज्ञान, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की ताकत। सी इट्स लाइक डाइट ली, भोजन खाया, लेकिन हिले ही नहीं, हजम कैसे होगा, डाइजेस्ट कैसे होगा? आज हम टीवी ऑन करें तो हम प्रवचन पे प्रवचन सुन रहे हैं, किताब उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुक्स जो आज बिक रही हैं मार्केट में, दे आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। Gone are the days where it's fiction and all. It's self-improvement books, self-help books. क्योंकि लोग अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तैयार हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मटेरियल आज है। वर्कशॉप्स है, सत्संग है, ट्रेनिंग है, लेकिन ये ज्ञान है, भोजन है। अब इसको सेकेंड स्टेज पर लेकर जाना है कि पढ़ा, सुना, लेकिन डाइजेस्ट मीन्स उस पर मनन, चिंतन, चर्निंग। तो ये सेकेंड मेडिटेशन। तो ज्ञान, ज्ञान के साथ ताकत। अब आई सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, थर्ड, धारणा। क्योंकि ये फर्स्ट टू भी बहुत सारे कर रहे हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी रोज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक उसको रख के थर्ड जीवन में सारा दिन अपना ओल्ड नॉर्मल के डेफिनेशन से चल रहे हैं। तो धारणा में नहीं आया। धारणा मतलब जो लिया अब उसको धारण करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज। हमने क्या सोचा, मैंने मेडिटेशन कर लिया ना सुबह उठकर, जैसे आपने कहा मैंने मेडिटेशन कर लिया ना, तो अब सब कुछ अपने आप होना चाहिए। द चेंज हैज़ टू कम ऑन इट्स ओन। आई वेंट फॉर अ 10-day मेडिटेशन रिट्रीट, नाउ रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन। आई वेंट ऑन अ 10-day मेडिटेशन रिट्रीट, आई डिड अ 10-minute मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। वो सब मैंने किया, शक्ति क्रिएट करने के लिए किया। अभी वो मेरा संस्कार नहीं बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजयोग मेडिटेशन जो हम करते हैं, इट्स नॉट फॉर फीलिंग नाइस कि 10 मिनट अच्छा लगे, इट इज़ फॉर चेंजिंग संस्कार्स। संस्कार कब बदलेगा? जब तक वो कर्म में नहीं आएगा तब तक संस्कार नहीं बनेगा। हमें संस्कार चेंज करना है। लेट्स से आई एम अ पीसफुल सोल, ये सुबह इन्फॉर्मेशन ली, आई एम अ पीसफुल सोल। मेडिटेशन भी किया, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। दोनों चीज़ें अच्छी हो गई, बहुत अच्छी तरह से हो गई, लेकिन अभी ये इधर है, थॉट लेवल पर है। अभी संस्कार कौन सा है? अभी भी गुस्से का, वो तो संस्कार बना हुआ है। वो संस्कार कैसे बना? बहुत बार गुस्सा करके बना, उसकी भी प्रैक्टिस की गई है ना, मतलब लेकिन बार-बार। अगर गुस्सा यहाँ होता ना सिर्फ, तो अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार ना बनता। इट इज बीइंग, डूइंग, बिकमिंग। उसका इस्तेमाल किया गया बार बार। बिकमिंग, सी बिकमिंग कब बनेगा? बीइंग, डूइंग, देन बिकमिंग। आई एम अ पीसफुल सोल, आई क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ बीइंग, बट जब तक आई ब्रिंग इट टू डूइंग, इट विल नॉट बी अ बिकमिंग। गुस्सा क्या किया? मन में गुस्सा आया, फिर उसको बाहर कर्म में लाया, फिर संस्कार बना। अब आई एम अ पीसफुल सोल, अब उसको कर्म में लाना है। कर्म में आएगा, बार बार आएगा, तो वो बन जाएगा मेरा संस्कार। सो इट्स धारणा, जो आज सब अवेयर हो रहे हैं कि मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स, मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हाफ एन आवर, स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मींस 24 घंटे वो चीज कर्म में आनी चाहिए, जब तक कर्म में नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब ये करना है कि सुबह जो लिया, जिस पर चिंतन किया, अब उसको अटेंशन रखना है सारा दिन। जो आपने कहा ना टेंशन, टेंशन नहीं अटेंशन, अटेंशन और टेंशन में फ़र्क। अटेंशन मीन्स मुझे ये करना है, टेंशन मीन्स हाय मुझे करना है, हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं, ये टेंशन। कब तक मेहनत करूँ, कब तक कोशिश करूँ, ये टेंशन। मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ये टेंशन। टेंशन मीन्स अनप्लेजेंट थॉट्स। अटेंशन मुझे करना है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, मैंने कहा गुरुजी शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। बार बार सुन के उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तू शांति मांगता है, शांति के कर्म भी करता है क्या? Absolutely. तो तब समझ में नहीं आई थी। आज आपने इतना सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया पॉइंट कि जब मुझे संस्कार बदलना है तो मुझे पहले उसके उस हिसाब से चलना भी है, कर्म में लाना है, डूइंग के बाद बिकमिंग। बहुत सुंदर है ये लाइन। सिर्फ आस्किंग से नहीं बिकमिंग होगा। इतना क्लियर हुआ आज मैं, थैंक यू सो मच। आई वांट पीस नहीं, हाँ। जब तक वो डूइंग, क्योंकि वो यहाँ से नहीं संस्कार बनेगा। संस्कार अगर ऐसे बन जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। संस्कार ऐसे बनता ही नहीं है। संस्कार बनेगा थॉट कर्म संस्कार, थॉट कर्म संस्कार। द साइकिल इज ओनली लाइक दिस। एक लाइन जैसे शूटिंग में मुझे कभी कभी नहीं आती थी या रेडियो पे, हाँ। तो उसको 100 बार पढ़ता, 1000 बार भी पढ़ा हुआ। लेकिन आज तो ऐसे 2 मिनट में कर लेता, क्योंकि वो बन गया संस्कार। Oh, nice. वो बन गया संस्कार। ये कब होगा पता नहीं अब मेरा। नहीं, सी रॉन्ग थॉट, ये रॉन्ग थॉट। यू हैव टू से जैसे मैंने वो संस्कार क्रिएट किया, मैंने ये संस्कार भी कर लेना है, बिकॉज इट ना आई नो हाउ टू क्रिएट अ संस्कार। इसमें कोई एज की बात नहीं ना, तब तो मैं जवान था या अब ऐसा। आत्मा इट्स सर, दैट्स व्हाई इट सेज कैपेबिलिटी आउटसाइड। आउटसाइड चीजें बदलती है ना, एज बदलती है, सिचुएशंस बदलती है। इनर वर्क ओनली विलिंगनेस, उसमें कैपेबिलिटी की कोई बात नहीं। 70 साल 80 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत साल पुराने हैं। आत्मा तो इटर्नल है, कब से चल रही है, एज मैटर नहीं करेगी, विलिंगनेस टू डू इट। तो धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है। एंड द फैक्ट दैट you know some people will ask, is it true that I am a peaceful soul? If it was not true, you wouldn't be able to do it so easily. नहीं, फिर मांगता भी क्यों मैं बार-बार? नहीं, पर आप कर भी ना पाते। मांगता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, बट मैं हूँ ही ओरिजिनली वो। इसका प्रूफ इस बात में है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया, जिस क्षण आपने डिसाइड किया, आपने उसको कर लिया। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करें कि मेरे को आज एक्टर बनना है, तो जिस क्षण डिसाइड करे उस क्षण नहीं बन पाते हैं। अभी मैं गाना गाने जाऊं तो नहीं कर सकते, एक लाइन भी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्किल है नहीं, वो स्किल को डेवलप करना है। लेकिन पीसफुल क्वालिटी को डेवलप नहीं करना है, कहीं से लेके नहीं आना, वो ऑलरेडी है, विलिंगनेस टू यूज इट। जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो इतनी ईजिली कर्म में आया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर था। अगर किसी के अंदर शांति का संस्कार नहीं है और वो सोचे आज मैं पीसफुल रहूँगा, दे नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज वो है ही नहीं उनके पास, बिकॉज इट्स देयर। हम जब सोचते हैं और अटेंशन रखते हैं, वो हो जाता है। तो हम सबके पास, एवरी सोल हैज दोज ओरिजिनल क्वालिटीज। तो ज्ञान लिया, योग, मेडिटेशन, पावर, तीसरा धारणा। धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि नहीं तो कई सालों से ज्ञान, 20 साल, 30 साल, 40 साल से मेडिटेशन, संस्कार में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि धारणा, पूरा दिन में अटेंशन नहीं रखा। दिस हैज़ टू कम इनटू माय लाइफस्टाइल, माय थॉट हैज़ टू बिकम माय लाइफ, इट्स माय लाइफस्टाइल, द वे आई लिव। दिस इज हैज़ टू बी, स्पिरिचुअलिटी हैज़ टू बी द वे आई लिव, नॉट द वे आई थिंक। Beautiful. It's not the way I think, it's the way I live. And life में क्या आना चाहिए? What I think. तो start thinking पे होगा, लेकिन it will be spiritual. You will be a spiritual person when you live that way. आपके जीवन में, कर्म में वो दिखाई दे। Live and think. Think and live. Think एंड देन ब्रिंग इट आउट. एंड जब ये तीन चीज़ें होती हैं तो चौथी बहुत ईजी हो जाती है एंड दैट इज़ सेवा. सेवा मीन्स जो मुझे मिला, जो मैंने अपने अंदर धारण किया, अब मुझे वो सबके साथ शेयर करना है. ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि शेयरिंग. शेयरिंग करने से क्या होगा, जो चीज़ भी आप शेयर करेंगे वो आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये भी 100% है. ये इसका मतलब जो फिजिकल चीज़ है वो किसी और को देने से कम हो जाती है, जो इंटरनल चीज़ है वो किसी और को देने से, क्योंकि जितनी जैसे गुस्सा किसी और को देने से क्या होगा, बढ़ जाता है. संस्कार पक्का होता है. इंटरनल चीज जितना देंगे उतना कहीं गुना बढ़ती जाएगी. तो फोर्थ सब्जेक्ट इज सेवा. सेवा मीन्स शेयरिंग. अब शेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो मुझे मिला ये मैं सबके साथ कैसे शेयर करूं. हाउ डू आई डू दैट. नॉलेज ये तीन तरह से हम कर सकते हैं. एक, शेयरिंग द एक्चुअल नॉलेज. यू नो, जैसे हमने देखा, सपोज ये प्रोग्राम अभी आप ज्ञान शेयर कर रही है ना. हाँ, सो दिस इज शेयरिंग. ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, ताकि हमें जो मिला हम इसको अब सबके साथ शेयर कर सकते हैं. फिर हर एक उसको ले सकता है, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो फिर औरों के साथ शेयर करेगा. सो वेरी सून इट विल जस्ट स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट विल बेनिफिट एवरी वन, विल यूज इट फॉर देयर हीलिंग. तो ज्ञान शेयर कर सकते हैं. नाउ दिस कैन बी शेयर्ड कि हम जैसे ये टीवी का प्रोग्राम, बहुत सारे भाई बहनें बताते हैं हमने देखा ना, फिर हमने मुझे अपने इस फैमिली को भी बोला, फ्रेंड्स को भी बोला, आप भी देखना. दिस वाज शेयरिंग, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जो चीज़ मुझे बेनिफिट की, आई फील आई शुड शेयर इट विद. छोटे छोटे एसएमएस लोग कितना शेयर करते हैं. दिस इज इट. एक अच्छी लाइन मिलती है तो शेयर. Yes. जो मैं पढ़ता हूँ शेयरिंग. तो आज अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या 1-on-1 हम जब किसी से भी मिलते हैं, हम हमें जो मिला ऑलवेज शेयर करने से कई गुना बढ़ जाता है. सो दैट इज़ एक्चुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज. दूसरा है अपने गुणों से सेवा. आपका गुण, आपकी क्वालिटी जितनी बार कर्म में आएगी उतनी वो क्वालिटी दूसरों को मिल जाएगी. सपोज मैं परेशान हूँ, लेकिन आपने प्यार से बात की तो आपने की, आपको मिली पहले वो शक्ति, लेकिन सेकंड वो शक्ति किसको मिली, आपको, वो मुझे मिली. सो यू हैव जस्ट शेयर्ड योर क्वालिटी विद मी, यू हैव जस्ट शेयर्ड योर एनर्जी विद मी. तो आपकी मेरी डबल कैसे हुई आपके साथ शेयर करने से. आपने क्रिएट की, या तो ये सिर्फ पड़ी थी, लेकिन यू यूज्ड इट एवरी टाइम. जितना यूज करेंगे कर्म में आएगा, जितना कर्म में आएगा संस्कार बनेगा. अब आपने क्योंकि यूज़ किया, मुझे मिला, मैं नाराज़ थी, लेकिन आपने प्यार से बात की, शांति से बात की, मुझे मिला तो मेरी एनर्जी कैसे हुई, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई. मेरी एनर्जी अच्छी हो गई तो मेरे से आपको क्या मिलेगा, फिर अच्छी एनर्जी मिलेगी. तो दो बार मिल गई ना, पहले व्हाइल क्रिएटिंग, देन यू हेल्प्ड मी टू हील माई सेल्फ, देन आई रेडिएटेड दैट back to you, and most important, along with radiating that back to you, I give you a lot of blessings. दुआएं. देखो मैं कितनी नाराज थी, इन्होंने फिर भी कितने प्यार से बात की, blessing. तो आपके पास कितने गुना मल्टीप्लाई होकर आ गया. ब्लेसिंग भी मिल गई और मेरी अपनी ही प्यार करने की जो पावर है वो बढ़ गई ना, वो डबल हो गया. पहले मुझे मिला, फिर मैंने दिया. पहले आपको मिला, फिर आपने दिया. आपने जो दिया उसको मैंने यूज किया, यूज करके मैंने क्रिएट किया, तो फिर मैंने भी रेडिएट किया. अब रेडिएट किया, वो आपको मिला. सो सेकंड, फर्स्ट व्हाइल गिविंग, देन व्हाइल गेटिंग इट बैक, एंड थर्ड ब्लेसिंग्स फॉर व्हाट यू हैव डन. जब भी आप शेयर करेंगे, एक आप रोड ही किसी को क्रॉस करा दो, कोई वहाँ खड़ा है, उससे रोड क्रॉस नहीं हो रही है, वो कितने ब्लेसिंग्स देते हैं. आए एकदम टाइम पर आए थे मुझे हेल्प करने के लिए, ये ब्लेसिंग्स. तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्लेसिंग मिलती है, तो वो चीज़ जो हर आत्मा आज ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, शांति, प्यार, खुशी, वो अगर किसी को मिले तो वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे. पानी पिला दो तो कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है. आप किसी को एक भोजन खिला दो, कितनी ब्लेसिंग मिलती है, शांति मिले उसको. तीसरा, सपोज कर्म में कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं मेरे आसपास, आई एम नॉट कमिंग इन टू इंटरेक्शन विद एनीबडी। बस अपनी सोच को सुंदर रखें। जितना आपकी सोच साफ रहेगी, आप रेडिएट कर रहे हैं ब्यूटिफुल वाइब्रेशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। ये भी सेवा है। इसीलिए हम यहाँ सीखते हैं कि सेवा भी 3 लेवल पर होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 लेवल पर। मन से सेवा मतलब हर एक को अच्छी वाइब्रेशन भेजना। यहाँ बैठे हैं, मालूम है कोई बीमार है, वहाँ अच्छी वाइब्रेशन भेजो। मालूम है कहीं अर्थक्वेक हुआ है, बहुत लोग दर्द में हैं, वाइब्रेशन भेजो। जस्ट सिट बैक। दुनिया में जितने लोग आज बीमार हैं, जितने लोगों को आज कैंसर है, सेंड गुड वाइब्रेशंस। ये हम सेवा कर रहे हैं। यू नो, जैसे हम धन भेजते हैं कहीं कुछ हुआ है, ऐसे ही कहीं कुछ हुआ है वहाँ बहुत पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है। तो ये हुई मनसा से सेवा। दूसरा वाचा सेवा, नॉलेज जो मिली वो सबके साथ शेयर करनी है। और तीसरा कर्म में सेवा, मतलब गुणों को अपने कर्म में लेकर आना है, उससे औरों को एनर्जी मिलेगी एंड वो मल्टीफोल्ड होकर फैलती जाएगी। एंड व्हेन दिस हैपेंस वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। एक आत्मा भी अपने ऊपर अगर परिवर्तन करे, यू नो, कई बार हम कहेंगे घर में टाइम नहीं है, ये है, हम इतने बिजी है। लेट अस अंडरस्टैंड अगर परिवार में एक आत्मा भी ये करती है, एक सारी फैमिली नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं हस्बैंड आएंगे ना तो मैं आऊँगी। डोंट वेट, चेंज बिगिंस विद 1 पर्सन। पाकिस्तान से शुरू किया, आज 8,500 सेंटर आपने कहा। मुझे उम्मीद है कि सारे दुनिया में 8,500 नहीं बल्कि हर घर सेंटर बन जाए। Definitely. और सेंटर बन जाए यानी कि ज्ञान का सेंटर। ये कोई रिलीजन तो है नहीं, बट प्यार का सेंटर, पीस का सेंटर। सिस्टर, एक मैं लास्ट में कुछ शेयर करना चाहूंगा। मुझे एक छोटी सी बच्ची ने कहानी सुनाई। तो उसने कहा कि अंकल, एक क्लास में ना बहुत वो लड़का था, नॉटी था। उसने बोला कि मैं टीचर को बोलूंगा, बताऊंगा कि वो हमेशा राइट कैसे नहीं है, रॉन्ग भी तो हो सकती है टीचर। मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कि वो रॉन्ग है। तो इंटरवल में तितली लेके आया। एक तितली हाथ में पकड़ ली और पीछे बेंच पे लाश खड़ा हो गया। और टीचर को उसने चैलेंज किया। कहता है, टीचर ये बताओ कि तितली जिंदा है कि मरी हुई है। टीचर तो टीचर ही होती है। वो समझ गई कि अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो वो ऐसे मसल देगा, वो मर जाएगी। और बोलूंगा अगर मैं कि वो मरी हुई है तो ऐसे छोड़ देगा। दो तरफ से फंसा। तो बहुत सुंदर जवाब दिया उसने। टीचर ने कहा कि बेटा, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब दीदी ने इतना सब सिखाया, बताया, डिस्कशन किया। इन्होंने मनसा, वाचा, कर्मणा सारी सेवा की। अब आप क्या लेते हैं, कैसे उसे जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। टू चेंज एनी हैबिट we take care of 4 aspects: gyan, knowledge; yog, meditation; dharna, inculcation; and seva, sharing. Study spiritual knowledge in the morning and pay attention on application in situations during the rest of the day. We shift from reactive behavior to consciously responding from our original qualities of peace, love and respect. Share the knowledge with others through words, actions and vibrations. When we bring our qualities into action or radiate pure thoughts to others, it is seva. Raj Yoga meditation means connecting to the Supreme Power, God, and taking His powers and love to heal our blockages and emerge our original sanskars. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at